फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पारुल्स किचन एंड मोर। आज हम बनाने वाले हैं फ्लेवर्ड कर्ड आइसक्रीम। मार्केट में आपने खाई होगी, उसके अंदर एसेंस होता है, कलर्स होते हैं, लेकिन हम बनाने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रूट के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हेल्दी भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं लूँगी एक बड़ा सा बॉल और इसके ऊपर मैं रखूँगी एक छलनी और एक धुला हुआ साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 लीटर दूध की जमी हुई फैट। फुल फैट दूध लिया है मैंने, उसकी जमी हुई कर्ड लूँगी। आप दूध चाहे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी उसको हंग करना है, हंग कर्ड बनाना है, जिससे कि वो थिक हो जाएगी। हमें इसके लिए थिक कर्ड चाहिए। इस तरह से इसको हम कपड़े को टाइट करके बांध लेंगे और किसी टैप के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लटका देंगे आधे घंटे के लिए, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा और थिक कर्ड हमें मिल जाएगी। ये मैंने लिए हैं 2 स्लाइस किए हुए बनाना। इसको मैंने फ्रोज़न किया है, 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए, इसमें बर्फ़ जमी हुई है। इस तरह का हमें केले चाहिए और मैंने इन दोनों की बना ली है प्यूरी। इधर मैंने लिए हैं 2 मैंगो, उसकी प्यूरी है, और ये जो अभी मैंने आपको बनाना दिखाए थे उसकी प्यूरी है। ये हमारी कर्ड भी है जो तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्रीमी हो गई है। इस तरह की कर्ड हमें चाहिए। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हंग कर्ड ले ली है और इसमें मैंने ली है 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये घर की ही पिसी हुई चीनी है। और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है हनी। इसको अब हमें क्रीमी करना है, उसके लिए मैं बीटर की हेल्प से इसको करूँगी। आप चाहे तो फोक्स या स्पून की हेल्प से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। बस 2 मिनट के लिए हमें फेंटना है, जो हमारी कर्ड है वो बिल्कुल क्रीमी बन जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए 3 चीज़ें ऐड करेंगे। हम 3 तरह की फ्लेवर्ड कर्ड बना रहे हैं। ये मैंने इसको 3 पोर्शन में ले लिया है। अब एक में मैं ऐड करूँगी बनाना की प्यूरी जो हमने बनाई है। आप बनाना की प्यूरी से मैंने आइसक्रीम जो है वो अपलोड की हुई है। आप मेरी बनाना आइसक्रीम ज़रूर देखिएगा, चैनल पर मैंने उसको अपलोड किया हुआ है। बहुत ही इजी है और हेल्दी भी होती है। अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी बन गई है। इसी तरह से हम मैंगो की प्यूरी को भी ऐड कर देंगे। ये 3 टेबल स्पून ली है मैंने और थोड़ी सी दही में इसको भी ऐड कर देंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। देखिए और अब मैंने ली है यहाँ पर थोड़े से ब्लूबेरी की फिलिंग। अगर आपके पास ये ना हो तो ब्लूबेरी का क्रश मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है, आप क्रश को भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए तीनों ही फ्रेश चीज़ें हैं। हमने इसमें मार्केट के कोई एसेंस यूज़ नहीं किया है। इतना फ्रेश बनेगी और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो घर में हम इजीली बना सकते हैं, खा सकते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आप ज़रूर बना के देखें। अब हम इसको रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में, जिससे कि बिल्कुल आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं इसको क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी कि तीनों तैयार हैं फ्रीज़र में जाने के लिए। बस 3 घंटे हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। इससे इजी आइसक्रीम कोई हो ही नहीं सकती। फ्लेवर आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।